हेलो फ्रेंड्स, तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये बाजार में बिकने वाली महंगी महंगी मिठाइयों को टक्कर देने वाली है। ना तो हम इसमें खोए का इस्तेमाल करेंगे और ना ही दूध का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप इसका टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी ज्यादा मजेदार ये रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है सूजी। सूजी आप मान लीजिए 250 ग्राम ये हो सकती है क्योंकि हमने इसे 2 कटोरी ली है, तो आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी उतनी सूजी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक कढ़ाई को गैस चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है, लेकिन आपको फ्लेम को बिल्कुल मीडियम या फिर लो रखना है और उसके बाद हमें सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से सूजी को भून के दिखा देता हूँ। इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाना चाहिए। ये हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो दोस्तों, देसी घी में विटामिन के की मात्रा पाई जाती है जो कि हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। देसी घी के सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घी में विटामिन ए, सी और ब्यूटेरिक एसिड होता है जो कि अंदर से आपको मजबूत करता है। देसी घी डालने के बाद अब हमने सूजी को अच्छी तरह से भून लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं तिल। तो हमने 1 कटोरी तिल ली है। दोस्तों, अगर तिल के हम थोड़े से फायदे की बात करें तो तिल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B1, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर व जिंक आदि गुण पाए जाते हैं जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं और थायराइड में भी ये काफी फायदेमंद रहते हैं। अब देखिए, हमारी सूजी का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं काजू। तो हमने थोड़े से काजू लिए हैं, लगभग 10-15 ग्राम। काजू डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। दोस्तों, बादाम भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो ड्राई फ्रूट में आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने काजू बादाम लिए हैं। इसके साथ हमने लिए हैं कद्दू के बीज। कद्दू के बीज भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं आपकी सेहत के लिए। कद्दू के बीज के अगर हम फायदों की बात करें तो कद्दू के बीज में होता है फाइबर, विटामिन ए, सी, ई, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम और न जाने कितने इसमें तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हमने इसमें सूखा नारियल डाला है। सूखे नारियल में अच्छा कोलेस्ट्रॉल, HDL, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए किसी एक बर्तन में रख देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसके बाद हमने एक कढ़ाई को गैस चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम दोबारा से देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी काफी फायदेमंद होता है, इसीलिए हम किसी भी तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी गोंद। दोस्तों, गोंद हमारा बिल्कुल सूखा हुआ है, हमने इसे धूप में पहले से सूखा लिया है। अगर गोंद के हम फायदे की बात करें तो गोंद में होता है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये भरपूर होता है। सर्दियों में इसे खाने से पुरानी खांसी, जुकाम, फ्लू और इन्फेक्शन जैसी समस्याएं पास भी नहीं भटकती हैं। इसके अलावा इसे खाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने इसको घी में डाला तो ये बिल्कुल खीलों की तरह मोटा मोटा हो चुका है। इसी तरीके से आपको इसको फ्राई कर लेना है। अब हमने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसे पीसना होगा। तो हमने एक मिक्सी का जाल लिया है और हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। वैसे तो गोंद काफी ठोस होता है, लेकिन जब आप इसे फ्राई कर लेंगे तो ये काफी मुलायम हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने गोंद को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और ये मतलब बिल्कुल पेस्ट की तरह बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो घी था वो मतलब थोड़ा सा ही बचा है कढ़ाई में, हमने इसमें 1 कटोरी पानी भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें लेनी होगी चीनी। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी ली है। चीनी आप इसमें कम डालें, ज्यादा ना डालें, क्योंकि हमने जो इसमें ड्राई फ्रूट और मतलब जो चीजें ऐड करी है उसमें भी थोड़ी सी मिठास होती है। अब थोड़ी देर में हमारी चाशनी में भी उबाल आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अभी गोंद को पीसा है ग्राइंडर में, उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको वीडियो को थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि आपका ज्यादा समय खराब ना हो। तो हमने गोंद इसमें ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, गोंद को हम अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे, मतलब इसमें हमारा गोंद मिक्स हो जाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से आपको सभी गोंद को इसमें ऐड करके मतलब मिक्स करके दिखा देते हैं। अब देखिए, इसमें हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हमारे पास जो सूजी है जो अभी हमने भूनी थी, उस सूजी को भी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हल्का हल्का इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम सभी सूजी को इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोस्तों सूजी को इसमें ऐड कर दिया है। अब हम दोबारा से इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम जो भी इसमें इंग्रेडिएंट, जो भी सामान इसमें ऐड कर रहे हैं, वो सभी के डिटेल भी आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर रहे हैं फ्लेवर के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे थोड़ा सा ही पकाएंगे जिससे कि इसमें थोड़ा मतलब चिपचिपापन आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार कर किसी एक बर्तन में रख के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब इसको आप किसी भी आकार में मिठाई बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको आपको पेड़ा बना के दिखा देता हूँ। आप चाहें तो आप इसके लड्डू, बर्फी या फिर कतली जो भी जमाना चाहते हैं वो जमा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसको पेड़े का आकार दे रहे हैं। पेड़े का आकार देने के बाद इसमें हम बीच में एक कद्दू का बीज भी रख देंगे जिससे कि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आपको ये मिठाई तैयार करके दिखा दी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मिठाई है। आप इसे रमजान में, इफ्तार में या फिर सहरी में ज़रूर ट्राई करें और
और आप इसे अगर खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगने वाली है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इस मिठाई को बना सकते हैं, सूजी की मिठाई को, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे इस टेस्टी मिठाई को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके की नई नई रेसिपी की वीडियो हमसे रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।